हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये होती हैं मोरिंगा लीव्स, आप देख रहे हैं। इनको हमने अच्छे से धो के ऐसे सुखा लिया है और अब हम इसकी ना पत्तियाँ अलग कर लेंगे और ये जो मोटी वाली स्टेम्स हैं ना, ये सब अलग कर देंगे। यानी हमें केवल पत्तियों का यूज़ करना है। तो जो मोदी जी के द्वारा बताया गया पराठा है ना, कि मोरिंगा की लीव्स का पराठा कैसे खाएं और कितना ये उपयोगी है खाने के लिए, बहुत अच्छा है। मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक्स जो आती हैं ना, उसके जिस पेड़ पर ड्रम स्टिक्स लगती हैं उसकी ये पत्तियां हैं। तो इनको साफ़ करके अलग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 कप आटा लिया है, उसमें स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और ये कटी हुई मोरिंगा लीव्स जिनको हमने अच्छे से धो लिया है ना, उनको बारीक काट लिया है और इसको अब हम आटे में मिक्स करेंगे। आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल दी है, 2 पिंच के करीब हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे का डो लगाएंगे। आटा सॉफ्ट ही लगाना है और आप ना और भी लीव्स डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। जैसे आप मेथी के बनाते हैं ना, ऐसे ही मोरिंगा लीव्स के बनाते हैं। तो इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का ये आटा लग गया है, लीव्स दिख रही हैं ना आपको अच्छे से। तो इसको सॉफ्ट आटे को लगाकर अब हम ढक कर रख देंगे। ये देखिए, आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है। हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि हम फिर पराठे बनाने वाले हैं। अब इसकी तोड़ेंगे हम लोई। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ना इसको बेलेंगे। शेप आप जैसी देना चाहें वैसे दे सकते हैं। हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ घी लगा सकते हैं, बट हम एक ही तरफ लगा रहे हैं क्योंकि हमें कम घी का इस्तेमाल करना है। और इस तरह से सूखा आटा कम भी लगा सकते हैं थोड़ा, और इस तरह से आप तिकोने परांठे बना लेंगे। और तवा गर्म होने के बाद हमने इसमें पराठा डाल दिया है और इसको ना हम दोनों तरफ से सेकेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। तो समझ गए ना आप ट्रायंगल कैसे बनाना है, बहुत आसान है। अब हम दोनों तरफ से सिक गया है, इस पे घी लगा देंगे। घी लगा के इसको अच्छे से चारों तरफ से सेकेंगे। ये देखिए, बहुत कम घी मैं लगा रही हूँ क्योंकि घर में खाने के लिए बनाना है, तो बहुत ही कम घी के साथ ही सेक रहे हैं। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं और दूसरे पराठे को भी हम सेक लेंगे। पराठा अगर दोनों तरफ से अच्छा सिका होगा ना तो फूलेगा आपका। इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, जब ऐसी हल्की हल्की चित्ती आनी शुरू हो जाए ना, तब आप इसको पलट दें। और बस अब हम इसमें घी लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, न्यूट्रिटिव हैं। जैसे आप मेथी के खाते हैं वैसे ही आप ये वाले पराठे भी खाकर देखिएगा। और ये देखिए, हमारे ये करारे करारे पराठे मोरिंगा लीव्स के, मोरिंगा लीव्स की चटनी, ये मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है और आप देखिए, है ना मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जितने देखने में सुंदर हैं उतने खाने में टेस्टी हैं और न्यूट्रिटिव हैं, हेल्दी हैं। आप रोटी भी बना सकते हैं इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।